दोस्तों, आपने रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में अक्सर ये लिखा हुआ देखा होगा कि भारतीय रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, कृपया इसका ध्यान रखें। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग इस बात को काफी ज्यादा सीरियस ले लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग ट्रेनों के सामान को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा देखने को मिला है कि ट्रेनों के अंदर जो बेडशीट होती है या फिर जो तकिए होते हैं वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेन में जो पैसेंजर ट्रेवल करते हैं वो इन बेडशीट और तकिए को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दूं कि जो ट्रेनों में लगे हुए पंखे और जो लाइट बल्ब होते हैं, कई बार लोग उनको भी अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, और इसके कारण इंडियन रेलवे को हर साल लाखों का नुकसान होता है। ऐसे में दोस्तों, अगर इस गर्मी के मौसम में आपको ट्रेन के अंदर पंखे नहीं मिलते हैं तो उसके कारण ट्रेन में ट्रेवल करने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, अब इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रेन में लगाए जाने वाले पंखे और लाइट बल्ब में एक छोटा सा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। क्योंकि इंडियन रेलवे के द्वारा किए गए इस छोटे से बदलाव के कारण अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के पंखे निकालकर अपने घर ले जाता है तो उसके बाद भी वो व्यक्ति उन पंखों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो अगर बात करें उस छोटे से बदलाव के बारे में जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रेन में लगाए जाने वाले पंखों और लाइट बल्ब में किए गए हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली जो हम अपने घरों में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को चलाने के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं उसको एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपके घर में लगे हुए जो पंखे या फिर जो लाइट बल्ब होते हैं उनको चलाने के लिए एसी करंट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो ट्रेन में लगे हुए पंखे और जो लाइट बल्ब होते हैं उनको चलाने के लिए डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी पावर का इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ट्रेन के अंदर लगे हुए पंखों को चलाने के लिए 110 वाट के डीसी करंट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के पंखे निकाल कर अपने घर भी ले जाता है तो भी वो उन पंखों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और अगर उस व्यक्ति को ट्रेन के पंखों को चलाना है तो फिर उसको अपने घर के एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए उसको काफी अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे के इस छोटे से बदलाव के कारण ट्रेन में लगे हुए पंखे और लाइट बल्ब की जो चोरी होती थी वो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।